राजधानी देहरादून में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफर समीर सिन्हा द्वारा एक सराहनीय पहल शुरू कर दी गई है। बता दें कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार के केदारकंठ और हरकीदून से एकत्रित किए गए 2500 किलो प्लास्टिक कचरे के वाहन को देहरादून स्थित हर्रावल्ला केंद्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पहाड़ों में ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट जो इसके मैनेजमेंट की चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी है, विशेष रूप से प्रदेश के जो संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक। राजधानी देहरादून में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ समीर सिन्हा द्वारा एक सराहनीय पहल शुरू की गई है। बता दें कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार के केदारकंठा और हरकीदून से एकत्रित किए गए 2500 किलो प्लास्टिक कचरे के वाहन को देहरादून स्थित हर्रावल्ला केंद्र से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके बाद इस कचरे को रिसाइकिलिंग के लिए भेजा गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। पहाड़ों में ठोस अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट जो इसके मैनेजमेंट की चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी है, विशेष रूप से प्रदेश के जो संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, वहां ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें वेस्ट वॉरियर्स द्वारा ये जो काम किया जा रहा है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे बेहद खुशी है कि आज गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार से लगभग 2.5 टन प्लास्टिक वेस्ट एकत्रित करके देहरादून लाया गया है, जहां पर इसकी ग्रेडिंग करके उसके बाद इसको रिसाइकलिंग के लिए आगे भेजा जा रहा है। मैंने आप सभी से बात करने के बाद ये अपेक्षा की है कि हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएँ।